तो गाइस आप लोग देखिए मैं कैसे हेयर स्टाइल करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हेयर स्टाइल बनाना टफ है, लेकिन कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, ये मैंने सीखा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, लेकिन आपको पता है मैं इस हेयर स्टाइल करने में 2-3 बार जल भी गई, लेकिन कोई नहीं, आप लोग के लिए तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और गाइस ये क्या बोलते हैं, बार बार कर्लर को उठाना फिर रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ मैनेज। और आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा दिक्कत था लेकिन बन गया। और यहाँ पे मुझे जल्दी भी करना था, क्योंकि बार बार कॉल आ रहा था कि साथ में निकलना भी है 7 बजे, तो मैं यहाँ बना रही हूँ। देखो अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है यार तुम्हारा चूड़ी तो। ये पता है ये हम लेकर आए थे अभी को पहने, एक है घड़ी इसमें रखे, अभी लगाएंगे वहाँ पहुँचेंगे। और ये बॉटल लिए, देखो प्यारा लग रहा है ना। अरे हम भूल जाते हैं कैसे खोलना है, इसको पुश करेंगे तब। ऋषभ लोगे बॉटल, ऋषभ कह रहा है गिफ्ट है तुम्हारा, स्कूल में जाके पानी पीना। इनका भी थोड़ा लुक दिखा दे, देखे जी इधर देखिए, अच्छी लग रही है। ये वेलवेट साड़ी है क्या? नहीं जी, वेलवेट साड़ी नहीं है। ये जीजा का लुक देखे, करिएगा जामुन। ये पति देव आदमी लोग तो देखे, तेल लगाए गए हमारे, यही मेकअप है, यही मेकअप है। रवि देखा खूबी, कितना कुछ लगाया, सोनाक्षी है, हम है, पति देव है। बाबू मेरा साड़ी दबाया, अंग्रेज घर न जाऊ, छोटी पैंटवा का पहनी है। तो यहाँ पे हमने बाबू का कपड़ा ले लिया, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए बाबू का कपड़ा जा, नहीं जाग रही है कि यहाँ पे इनका क्लिप वगैरह ले लिया है, कंघी ले लिया, पाउडर सब लेके हम रखे। हाँ सूज भी है बेटा, आपका सूज रखे है पिंक वाला, पिंक ड्रेस पे पिंक सूज ना। अभी क्या पहनी, कुछ नहीं पहनी क्या? अभी नहीं पहनी कुछ, बस पैंट और टी शर्ट पहनी है। वो बाहर का लोकेशन दिखा रहे हैं, देखा रोडिया खड़ा है ना, लो देख लो, वहाँ गाजियाबाद पहुँचो तब वहाँ पे अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोग बैठे हुए कार में,
और यहाँ पता है ऋषभ के बर्थडे में जाए, लेकिन प्लानिंग हो रही है। अलका का बर्थडे आ रहा है और इन कोमल का बर्थडे आ रहा है और हमारा एनिवर्सरी भी आ रहा है। मतलब एक ही महीने, एक दो महीने में इतना ज्यादा फंक्शन है ना, और सब गर्मी में ही है। आप लोग को मजा आएगा। और सब सबसे दुख की बात है कि सब गर्मी में है, तो व्यवस्था ऐसा होगा कि भैया थोड़ा सा ठंडा लगे, एसी का देखते हैं क्या क्या प्लानिंग है। क्या कहाँ जाओगी आप? अपना बर्थडे मनाओगी कि एनिवर्सरी मनाओगी कि बाहर मनाएंगे? थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सब मनाएंगे। अपनी एनिवर्सरी में कहीं बाहर चले जाओ घूमने। अरे इतना गर्मी में कहाँ जाएंगे? अरे बाहर जैसे गोवा चले जाओ। गोवा में भी तो गर्मी है। दिन में थोड़ा ना घूमेंगे गोवा, रात में घूमोगे। अरे यार जानती हो, कहीं बाहर जाने मतलब मोटा पैसा चाहिए। चलिए इस बार का जो जहाँ पतला पैसा लगे वहाँ जाना चाहिए। फ्लाइट के टिकट करा देंगे हम लोग। तो चलिए गाइस, इसका एनिवर्सरी का गिफ्ट बंदना दी फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं। लेटना है बाबा, तू सब चला था माओ से चली गोवा, सब साथ ही घूम जाए, मजा आ जाए। आप ही तो अच्छा लगेगा, ताकि ग्रुप में हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। कितना मन नहीं लगेगा? लेटना वहां से ना गोवा जाने के लिए तो अरे 2000 टिकट लग रहा था फ्लाइट का। बैंगलोर से बैंगलोर से फ्लाइट का 2000 वहां से पास में ना, सस्ता पड़ता है इसीलिए। तो वहीं से जाके तब वहाँ जाओ। तो हम लोग पता है पहुँचने वाले हैं, मतलब जो राजनगर एक्सटेंशन का जो क्या बोलते हैं ना, फ्लाईओवर है बहुत बड़ा वाला, 8 किलोमीटर दूरी लंबा है, तो उस पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। एलिवेटेड में पहुँचने वाले हैं। बेटू को निन्नी कर रही क्या? बेटू बेटू भाई निन्नी कर दीदी ना। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए बाबू को भी कपड़े पहना दिए हैं। और गाइस ये रहा मेरा हेयर स्टाइल और फुल लुक, और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। मैं अभी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा दूंगी। बाबू इधर देखो, तो बाबू को हम बिना तैयार किए ऐसे ही लेकर चले आए हैं यहाँ आके। बाबू को ड्रेस पहना है और पाउडर लगा दी। लगा लो लगा लो। देखो सोनाक्षी क्या खाओगी? अंदर अब क्या को रेडी कर रही इनके बाबू। जैसे अब क्या मनाए थे वैसे सजा हुआ है सब। नहीं नहीं रोते बेटा, आज बर्थडे है ना। चुप क्यों रही है? भैया को चुप करा दो, भैया को चुप करा दो। तो आज क्या क्या यार, उसके बर्थडे पे रुला रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो। बाबू बाहर बंदा दी यहाँ बैठ, रुक जाओ, चल रहे हैं अभी ना। रुक नहीं जाए, थोड़ा सा गर्मी का थोड़ा हवा तो ले ले यार। अभी तुमको पसीना हुआ है, अभी पूरी रात भरे रील्स वगैरह बनाना। गाइस वैसा सेम तो नहीं बना है, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा बहुत सेम बना है। मजा आ रहा है। जैसे मैगी मैगी हेयर स्टाइल है इनका। सोनाक्षी मेन्यू देख रही है, सोनाक्षी का पास्ता स्टाइल। बर्थडे बॉय थोड़ा सा नाराज हो गए हैं, पता नहीं क्यों। सीधा है ना एकदम, चौमिन सीधा है। अरे हां, तो चलिए गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे इस व्लॉग में। देखिए बेटू हमारी, बेटू उन्हें निकालो, मुझसे उन्हें निकालो। हैप्पी बर्थडे बोल दो ऋषभ भाई को। बाबू का गेटअप दिखा दे पूरा। ये देखो बाबू का हमारे बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।